नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पितृ दोष के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको पितृ दोष का एक सरल, सटीक और घरेलू उपचार बताऊंगा। वह उपचार करने के बाद में आपके जो पितृ हैं, आपके जो पूर्वज हैं, जो किसी भी कारणवश अधोगति को प्राप्त हैं, और दोस्तों जब व्यक्ति के घर में पितृ दोष बन जाता है, देर सवेर अकाल मृत्यु, टेंशन तनाव का माहौल, लगातार बीमारियों का रहना, व्यापार में घाटा और घर में कलेश की स्थिति बनी रहना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यदि आप पितृ दोष के यथासंभव उपाय करा चुके हैं और तभी भी आपको पितृ दोष से मुक्ति नहीं मिल रही है, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ जाती है या आपको आभास होता है कि हमारे पूर्वज हमसे संतुष्ट नहीं हैं, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कीजिएगा। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। साथियों, घर में जो पूर्वज हैं, दूसरी पीढ़ी में हैं, तीसरी पीढ़ी में हैं, चाचा ताऊ हैं, दादा हैं या उससे ऊपर के हैं, यदि कोई भी अकाल मृत्यु को प्राप्त है या कोई ऐसा आपका पूर्वज है जिसके संतान नहीं थी और आपको इस बात का स्पष्ट आभास है कि आपके यहाँ पितृदोष की स्थिति है, तो अमावस्या के दिन किसी भी तीर्थ में जा कर के या भगवान नारायण के मंदिर में जा कर के अपने पूर्वजों के नाम संकल्प करके या अपने पूर्वजों के नाम से संकल्प करना आप नहीं जानते, मैं अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए श्री गीता जी का हिंदी या संस्कृत में एक पाठ करें, पूरी गीता जी का पाठ, 700 श्लोक हैं और पूरी गीता जी का पाठ करने में व्यक्ति को 1.5 से 2 घंटा मैक्सिमम टाइम लगता है। भगवान नारायण के मंदिर में या किसी तीर्थ में या किसी जलाशय में, नदी नहर पर या अपने घर के ही पूजा के कमरे में पाठ करने के बाद में हाथ में जल लेकर मैं जो गीता का पाठ किया है इसका पुण्य अपने पूर्वजों को समर्पित करता हूँ, ऐसा कह करके जल छोड़ दे। साथियों, 3 या 4 अमावस्या तक यह उपाय करें, महीने में एक बार करना है श्री गीता जी के पाठ के प्रभाव से, क्योंकि गीता जी का बहुत सारा महत्व है, बहुत महात्म है और यदि गीता जी का जो पाठ है वह आपके पूर्वजों के निमित्त किया जाएगा, वह कितने भी परेशान हैं, कितने भी विचलित हैं, प्रेत योनि को प्राप्त हैं, अधोगति को प्राप्त हैं, श्री गीता जी के पाठ के पुण्य के प्रभाव से आपके पितृ निश्चित रूप से उन्हें शांति प्राप्त होगी और वह आपको भी आशीर्वाद प्रदान करेंगे। साथियों, आज की वीडियो में मैंने बहुत सामान्य सा उपाय आपको बताया और बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट हैं, इसका प्रभाव लंबे समय तक व्यक्ति के परिवार में, घर में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मैं कामना करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।